बांदा में कल रात करीब 9 बजे एक बस घटना से इंदौर जा रही थी, तभी बांदा आरटीओ ने बस को पकड़ लिया था। बस में करीब 90 लोग सवार थे। बस में ओवरलोड सवारी बैठी थी, इसीलिए बस को पकड़ लिया गया था। कल शाम 9 बजे रात से 90 लोग, महिला पुरुष छोटे बच्चे भूखे बैठे थे। हमें आज 7 जुलाई 2021 को सूचना मिली, हम तुरंत पुलिस महानिरीक्षक त्रिकुट धाम मंडल बांदा के यहाँ जाकर तुरंत बस को छुड़वाया और कंडक्टर से बोलकर सभी लोगों को खाना खिलाया, फिर सभी लोग बस से इंदौर रवाना किए। मोदी जी और बिहार सरकार नीतीश कुमार जी ने अगर लोगों को रोजगार दिया होता तो आज लोग एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाकर रोजगार के लिए कहीं नहीं भटकते। अगर लोगों को रोजगार मिला होता आज देश की हालत ठीक होती। जी, ये किस तरह का आप जो है कार्यक्रम करने हैं, क्या हो रहा है? ये था कि हमको सूचना मिली है सुबह 10 बजे कि यहाँ कल रात में 2 बसें थी जिसमें ओवरलोड सवारी बैठी थी, बिहार से आए हुए थे लोग, जा रहे थे मध्य प्रदेश भोपाल को इंदौर नौकरी के लिए, रोजगार के लिए जा रहे थे, तो यहाँ बस इनकी रुकवा ली गई थी। और कल से करीब जो है 90 लोग भूखे प्यासे बैठे थे, रात से पूरी रात हो गया कल, और आज भी 12 बज गया था। तो यहाँ आईजी आवास के सामने बैठे थे, तो हम आए, उनसे बात किया, उनकी समस्या हमने सुना, और आईजी साहब के हम गए तो आईजी साहब तो नहीं मिले, लेकिन उन्होंने फ़ोन किया चौकी इंचार्ज को सिविल लाइन्स, तो उन्होंने जो है बसें, हमने बोला कि आप इनकी बस छुड़वाइए या तो इनके खाने पीने की व्यवस्था कराइए, कि दोनों बसें छुड़ गई है और लोगों को खाना भी खिलाया गया है। कंडक्टर को हमने बोला कि आप इनको खाना खिलाइए, उन्होंने खाना खिलाया, दोनों बसों को रवाना कर दिया है। और यहाँ से यही लगता है कि जैसे सरकार बड़े दावे करती है, बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे मोदी जी, कि हमने बहुत रोजगार दे दिया। अगर रोजगार दिया होता, मैं यही कहना चाहती हूँ मोदी जी से, अगर आपने रोजगार दिया होता तो बिहार से लोग मध्य प्रदेश नहीं आते, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भूखे प्यासे लोग रोजगार के लिए नहीं भटकते। आपके सारे दावे खोखले हैं, आपके सारे दावे कागज पर है, जमीन हकीकत पर आपने कोई रोजगार नहीं दिया है। अब इसमें क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो है लोगों को, मेरी सरकार से ये अपील है कि आप फैक्ट्री लगवाइए तो लोगों के जिला या उनके राज्य में लोगों को जो है रोजगार मिले, नौकरी मिले। अगर नौकरी नहीं मिलेगी, इसी तरह क्राइम बढ़ेगा और लोग परेशान होंगे।